Hello everyone, good evening to all of you and welcome back my YouTube channel Rathod English Research Center. My dear friends, जैसा कि हम अपने thumbnail पे देखे होंगे 500 most selected words of tuition है, इनके बारे में हम एक एक करके आपको वीडियो दे रहे हैं और कोशिश करेंगे कि आपको ये words of tuition की वीडियो आपको रोज मिले, ताकि आपके जो आने वाले LDC के एग्जाम है, CHSL के एग्जाम है, CGL के एग्जाम है, इन सभी एग्जाम में आपको अक्सर पूछे जाएंगे। और फिलहाल में RBI का जो बैंक के है उनका भी वो भी एग्जाम का फॉर्म भरा रहा है, वहां से आप भर सकते हैं। और जितने भी words of tuition करा ये आपके एग्जाम से बहुत ही बेहद ही महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि जितने भी वर्ड्स ऑफ टीचर सब सिलेक्टेड है, जो कोई ऐसा वर्ड्स ऑफ टीचर नहीं होगा जो आपके एग्जाम में 10 बार 5 बार 9 बार 8 बार इस तरह पूछा नहीं गया होगा, ये एकदम पूछे गए हुए। इसी से आपको इससे अगर 10 कहीं पूछे तो वहां से आपको अगर 5 पूछते हैं तो 3-4 यहां से 500 में से ही रहेंगे, 1-2 कहीं निकल जाए, अगर आपके नसीब अच्छे होंगे तो आपका 5 में से 5 भी वर्ड्स ऑफ टीचर लड़ सकता है। तो चलिए आज हम चल शुरू करते हैं आज के फर्स्ट वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे। वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है आज का जो है फर्स्ट वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है आज है ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट है क्या है, ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट क्या होता है तो देखिए कि अ पर्सन हु ऑलवेज एक्सपेक्ट गुड थिंग टू हैपन, यानी वह व्यक्ति जो हमेशा कयास लगाए रहते आशा लगाए रहते हैं कि जो कुछ भी होगा वो सही होगा, क्या होगा, अच्छे होंगे, अच्छे होंगे। तो यानी हम कह सकते हैं कि वो व्यक्ति जो हमेशा आस लगा के जो बैठे रहते हैं तो उसे हम कह सकते हैं कि कौन सा है, तो आशावादी व्यक्ति है। कौन सा व्यक्ति है, आशावादी व्यक्ति है। तो आज से हम आशावादी व्यक्ति को क्या कहेंगे, तो ऑप्टिमिस्टी, ऑप्टिमिस्ट क्या कहेंगे, ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट का मतलब क्या होता है, आशावादी। अगर इसको हम अगर अल्टरनेटिव वर्ड के रूप में यूज करेंगे तो क्या होगा, होपफुल भी यूज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, होपफुल भी इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंड वर्ड ऑफ सब्स्टिट्यूशन है पेनेसिया, क्या है, पेनेसिया, पेनेसिया क्या होता है, द थिंग विच इज यूज टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम, यानी एक ऐसी चीजें होना या एक ऐसी वस्तु होंगे जिसका प्रयोग जो हो सारी समस्याओं के लिए किया जाता है, क्या कहलाता है, सारी समस्याओं के लिए किया जाते हैं, तो उन्हीं चीजों को क्या कहते हैं, पेनेसिया कहते हैं, क्या कहते हैं, पेनेसिया कहते हैं। तो पेनेसिया का मतलब समझ गए होंगे कि ऐसी चीजें जो हर एक समस्या का समाधान एक ही चीज करे तो उसे उसे ही पेनेसिया कहते हैं, क्या कहते हैं, पेनेसिया। यानी साफ साफ कहे कि रामबाण हो सकता है, क्या हो सकता है, तो रामबाण हो सकता है, रामबाण है ना, रामबाण हो सकता है। तो पेनेसिया का मतलब क्या रखेंगे, रामबाण रखेंगे, क्योंकि आपको जो एग्जाम में है ये दिए रहेंगे, क्या देंगे, के देंगे रहेंगे, तो अ थिंग विच इज यूज टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम, यानी ऐसी चीजें जो सभी समस्याओं को समाधान करता हो तो उसे पेनेसिया कहते हैं, क्या कहते हैं, तो पेनेसिया कहते हैं। आपको ये दिए रहेंगे और ये चुनना रहता है, तो आप चुन लेंगे आसानी से। उसके बाद है, उसके बाद थर्ड नंबर वर्ड सब्स्टिट्यूशन है कि अल्ट्रोइस्ट, अल्ट्रोइस्ट, अल्ट्रोइस्ट का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिए, अल्ट्रोइस्ट होता है कि अ पर्सन हु मेक चैरिटेबल डोनेशन फॉर हेल्प द पुअर, यानी गरीब लोगों के लिए जो दान दिए जाते हैं, डोनेशन दिया जाते हैं, वो दान जो दिए जाते हैं, दान देने वाला व्यक्ति को ही क्या कहते हैं, तो अल्ट्रोइस्ट कहते हैं। आपको इससे पिछले वीडियो में हमने बताया था कि यहाँ जो चैरिटेबल है, ये चैरिटेबल का मतलब ही क्या होता है, तो दानी होता है, क्या होता है, दानी होता है। उसके बाद है, उसके बाद है एरिस्टोक्रेसी, क्या है, एरिस्टोक्रेसी, ध्यान दीजिए, आप समझ गए ना कि अल्ट्रोइस्ट क्या है, अल्ट्रोइस्ट यानी दानी, वह व्यक्ति जो गरीब के या किसी लोगों के भलाई के लिए कुछ पैसा दान करता हो या उससे कुछ मजबूरी है उसको कुछ देता हो तो उन्हीं देने वाला व्यक्ति को ही अल्ट्रोइस्ट कहते हैं, चैरिटेबल कहते हैं। और इसके इस पिछले वीडियो हमने बताया था कि इसके लिए एक बेनेवोलेंट भी आता है, क्या आता है, बेनेवोलेंट, बी एन ई
VOLENT वो लेंट भी यूज की करते हैं। उसके बाद आता है एरिस्टोक्रेसी। ध्यान दीजिए, एरिस्टोक्रेसी क्या होता है, एरिस्टोक्रेसी क्या होता है, ये जो है एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, यानी एक सरकार की एक ऐसी ही शाखा होती है जिसमें एक सरकार जो सत्ता चलाते हैं उसी तरह की एक सरकार होती है। तो कहते हैं ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच नोबल पीपल का मतलब होता है कि प्रसिद्ध लोग, क्या होता है, प्रसिद्ध लोग या कोई फेमस लोग या बहुत ही वरिष्ठ, या कह सकते हैं कि वो जो समाज में या हमारे गांव में जो बहुत ही वरिष्ठ होते हैं, बहुत अच्छे पद पे नहीं, बहुत धनी मनी होते हैं और उसका बहुत ही इज्जत किया जाता हो उस समाज में, तो उन्हीं पीपल को ही नोबल पर्सन कहते हैं। क्या कहते हैं, नोबल पीपल। तो नोबल को आप ध्यान रखेंगे प्रसिद्ध व्यक्ति, तो वो जो प्रसिद्ध व्यक्ति है होल्ड ऑल द पावर, उन सभी पावरों को रखता होगा, तो उसे क्या कहते हैं, प्रसिद्ध, यानी नोबल पीपल हो गया। तो उसे उस वो व्यक्ति जो सत्ता चलाता हो, तो सत्ता चलाने वाला व्यक्ति को क्या कहेंगे, एरिस्टोक्रेसी, यानी जो नोबल लोगों के द्वारा जो सत्ता चलाई जाती है उन सत्ता को ही एरिस्टोक्रेसी कहते हैं। इसी तरह हमारे इंडिया में, जो हमारे देश से इंडिया, उसमें क्या होता है, तो डेमोक्रेसी है। क्या है, डेमोक्रेसी है। ये डेमोक्रेसी भी एक इसी तरह होता है कि अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक सरकार की एक ऐसी शाखा जिसमें पीपल ऑफ द कंट्री, उस देश के लोग वोट करते हैं टू इलेक्ट, यानी चुनने के लिए देयर रिप्रेजेंटेटिव, यानी अपने उत्तराधिकारी को चुनने के लिए ही जो वोट करते हैं, और वोट करने के लिए जो सरकार चुनते हैं वोट के द्वारा, उन्हीं सरकार को क्या कहते हैं, तो डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, डेमोक्रेसी का मतलब जनतंत्र है ना, जनतंत्र यानी जनतंत्र हो, तो जनतंत्र यानी जो लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार हो उसी को उस सत्ता जो चलाता है उसी डेमोक्रेसी का। तो हमारे इंडिया में क्या है, डेमोक्रेसी। और ये एरिस्टोक्रेसी क्या होगा, जो धनी लोग यानी वरिष्ठ श्रेष्ठ लोगों के द्वारा जो सत्ता चलाई जाता है उसी को क्या कहते हैं, तो एरिस्टोक्रेसी। उसके बाद सिक्स नंबर वर्ड है, सिक्स नंबर जो वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, एथिस्ट है। एथिस्ट का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिए, कि अ पर्सन हु बिलीव दैट कि गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, यानी वो व्यक्ति जो यकीन, उसे यकीन है कि भगवान जो है, भगवान कुछ नहीं होता है, यानी आस्तिक, नास्तिक होता है, तो ये क्या होगा, नास्तिक होगा, है ना, नास्तिक यानी नास्तिक होगा। जो व्यक्ति भगवान पर विश्वास नहीं करता उसे नास्तिक कहते हैं। जबकि थीस्ट जो होता है, क्या होता है, थीस्ट का मतलब होता है कि आस्तिक, क्या होता है, आस्तिक। जो भगवान पे भरोसा करता है उसे थीस्ट कहते हैं, यानी आस्तिक कहते हैं। और जब यहाँ आए, एक वर्ड और ध्यान दीजिए कि यहाँ थीस्ट है, इसी से थीइज्म बना है। क्या बना है, थीइज्म बना है। इसका मतलब होता है, थीइज्म का मतलब होता है आस्तिकवाद, आस्तिकतावाद होता है। तो ये सब वर्ड ध्यान रखने की, अस्तित्ववाद, अस्तित्ववाद, जो भगवान के जो है, भगवान पर भरोसा करने के जो अवधि होते हैं उसको अस्तित्ववाद कहते हैं। उसके बाद आता है, और यहाँ पर जो थीस्ट है तो उसको थीइज्म कर दीजिए, है ना, थीइज्म, TheEIS, सॉरी एथिज्म, एथिज्म मतलब नास्तिकतावाद, आस्तिकतावाद, नास्तिकतावाद। तो थीस्ट और एथिस्ट, थीइज्म, एथिज्म और थीइज्म, ये हो गया आपको एथिस्ट का, एथिस्ट से बनने वाले वर्ड। उसके बाद है कैलीग्राफी, ध्यान दीजिए, कैलीग्राफी का जो मतलब होते हैं, क्या होते हैं, कैलीग्राफी, कैलीग्राफी का मतलब होता है ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग। क्या होता है, ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग। आपको एग्जाम में इसी तरह दे देंगे कि ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग, ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग दे देंगे, और इससे रिलेटेड आपको चार वर्ड आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, और ऑप्शंस वहां सिलेक्ट करना कि कौन इसका सटीक मीनिंग देता होगा वर्ड। तो यहाँ पे इसका मतलब होता है कैलीग्राफी। ध्यान रहे कि कली का मतलब ही होता है ब्यूटी, क्या होता है, ब्यूटी, क्या होता है, ब्यूटी। या ग्राफी का मतलब होता है लिखने से संबंधित, क्योंकि ये जो ग्राफी है, ग्राफी एक सोफिक्स है, क्या है, सोफिक्स है, जिस वर्ड के अंत में लग जाता है उसे सोफिक्स कहते हैं।
उसके बाद तो समझ लें कैलीग्राफी क्या होता है, एक सुंदर लिखावट सी राइटिंग जो स्पेशल पेन से लिखा जाता है उसी को ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, और उसका जो एक शब्द अनेक शब्दों का एक शब्द होगा वो कैलीग्राफी होता है। उसके बाद है 8 नंबर कंसियर, क्या है कंसियर, इसको कंसियर भी पढ़ते हैं और कंसियर भी पढ़ते हैं। कंसियर क्या होता है इसे ध्यान दीजिए, एन एक्सपर्ट, क्या है एन एक्सपर्ट हु हैज अ लॉट्स ऑफ स्किल, वह व्यक्ति एक वो एक्सपर्ट होते हैं जिनको पास काफी नॉलेज होते हैं इन आर्ट फूड म्यूजिक, यानी कला में भी निपुण होते हैं, खाना बनाने से संबंधित उसमें भी निपुण होते हैं, और म्यूजिक से संबंधित जितने भी हैं तो उनमें भी निपुण होते हैं, और पढ़ाई लिखा जितने भी होते हैं उन सारी चीज़ों में निपुण होते हैं। तो इन्हीं जो पूरे चीज़ों में निपुण होते हैं तो उसे कंसियर कहा जाता है, क्या कहता है कंसियर। तो कंसियर का मतलब हम निकाल सकते हैं कि परखी, क्या परखी या विशेषज्ञ, क्या विशेषज्ञ भी कह सकते हैं या परखी भी कह सकते हैं। उसके बाद आप देखें फैटलिस्ट है, फैटलिस्ट है, फैटलिस्ट का मतलब क्या होता है कि अ पर्सन हु बिलीव्स दैट कि ऑल द थिंग्स आर डिसाइडेड बाय फेट, यानी यहाँ जो फैट का मतलब होता है वो भाग्य होता है, क्या होता है LUC के लक होता है। तो फैट का मतलब क्या होता है लक होता है, और डिसाइडेड का मतलब होता है निर्णय, है ना निर्णय होता है। तो आप कह सकते हैं कि अ पर्सन हु बिलीव्स दैट ऑल द थिंग्स आर डिसाइडेड बाय फैक्ट, यानी वह व्यक्ति जो होता है जो मानता है कि जितने भी कुछ होते हैं सब भाग्य के भरोसे ही होते हैं, तो वह व्यक्ति क्या कहलाएंगे भाग्यवादी कहलाएंगे। तो फैटलिस्ट का मतलब क्या होगा भाग्यवादी, फैटलिस्ट का मतलब क्या होगा भाग्यवादी। उसके बाद इनविंसिबल, क्या है इनविंसिबल, इनविंसिबल का मतलब क्या होता है कि अ पर्सन, क्या अ पर्सन हु इज नॉट डिफेटेड, डिफेटेड का मतलब होता है कि हरा देना, क्या होता है हरा देना, यानी अ पर्सन हु इज नॉट डिफेटेड, जिस व्यक्ति को हराया नहीं जाता है या हराया नहीं जा सकता है, तो कैन नॉट बी, जिसे हराया नहीं जा सकता है उसी को क्या कहते हैं तो इनविंसिबल कहते हैं, क्या कहते हैं इनविंसिबल। इनविंसिबल का मतलब होता है कि जिसे हम हराया नहीं, जिसे कोई हरा ना सके, यानी साफ साफ कहें कि वो अजय है अमर है उसको कोई हरा नहीं सकता है, तो उसी को क्या कहेंगे इनविंसिबल। और ध्यान रहे कि इनसे रिलेटेड वर्ड है, आप लिखने के लिए लिख सकते हैं कि अनडिफेटेबल, अनडिफेक्टेबल मतलब ही जिसको हराया ना जा सके, या आप ट्रेम्पी यू भी यूज करते हैं, TRUIMPH, आप ट्रेम्पी भी यूज करते हैं, यानी इसका भी मतलब जो होता है ना जिसे हराया नहीं जा सके, यानी अजय होता है, और इसी का एक भैवा होता है विक्ट्री, क्या होता है विक्ट्री। विक्ट्री का मतलब ही होता है अजय या अमर, ये जो है नाउन और वर्ब दोनों है, हरा देना अति विजय हो जाना, ये किसी को हरा देना और हरा देना, या किसी या विक्ट्री कहते ना, विक्ट्री हो गया यानी किसी को हरा के जीत लेना, तो स्वतंत्र जीत लेना, विक्ट्री मतलब जीत लेना भी होता है और अजय भी होता है। तो आई होप डेट कि आपको इनविंसिबल समझ में आ गए होंगे। तो उसके बाद है मर्सेनरी, ध्यान दीजिए मर्सेनरी का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिए मर्सेनरी यानी जो व्यक्ति मर गया, एक तरह से माने मर गया पूरा लाचार हो चुका है, अब वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन अर्थ यहाँ पे ये नहीं है, क्योंकि मर्सेनरी का जो सही अर्थ होता है वो लोभित व्यक्ति होते हैं, क्या होते हैं लोभित व्यक्ति होते हैं जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, यानी हम कहें उसको कि वह बहुत ही इनविंसिबल मतलब किराए के टट्टू पर रहने वाला व्यक्ति, यानी जो व्यक्ति पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, तो उसी को क्या कहते हैं मर्सेनरी। अ सोल्जर,
a soldier who can fight for any person or any group, यानी किसी भी समुदाय हो, किसी भी समूह हो या कोई भी व्यक्ति के लिए लड़ सकता है. Deft offer payment, यानी पैसे की अगर उसे लोभ दे, पैसे दे तो वह कुछ भी कर सकते हैं. तो इसको लिखना है तो आप जगह तो यहाँ नहीं है, आप लिख लिए कि वह व्यक्ति जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है तो उसे किराए के टट्टू कहते हैं. क्या कहते हैं? किराए के टट्टू या लोभित भी कह सकते हैं. उसके बाद है एक्सेटिक. एक्सेटिक ध्यान दीजिए, एक्सेटिक क्या होता है कि अ पर्सन हु लिव्स इन सिंपल एंड स्ट्रिक्ट वे, यानी वह व्यक्ति जो जीता है बहुत ही साधारण और बहुत ही स्ट्रिक्ट कठिन बहुत ही सख्त नियमों के तरह से नियमों में जीता है, और विदाउट एनी फिजिकल प्लेजर, बिना कोई शारीरिक खुशी के बिना ही वह अकेले जीवन जीते हैं. यानी आप कैसे ऐसा कौन जीता है तो या तो संत जिएंगे या कोई तपस्वी ही जी सकते हैं. तो इस तरह के जीने वाले को एक्सेप्टिक कहते हैं. क्या कहते हैं? एक्सेप्टिक कहते हैं. और इससे रिलेटेड कुछ वर्ड है, उसको अगर आपको इच्छा है तो उसे भी लिख ले. एक्सेप्ट यहाँ इसका मतलब ही हर्मिट होता है. क्या होता है? हर्मिट. जब आपको एक्सेप्टिक वर्ड दे देगा, ये जरूरी नहीं है कि ये वर्ड हम वर्नर सब्स्टिट्यूशन में बता रहे हैं तो यही वर्ड आपको वर्नर सब्स्टिट्यूशन में ही रहेगा, ये जरूरी नहीं है. ये वर्ड हो सकता है आपको साइनों में अल्टरनेटिव वर्ड में भी पूछ सकता है. तो आप यहाँ पे हर्मिट का मतलब ही होता है कि वह व्यक्ति जो बिना कुछ किसी सुख भाव के अकेला जिंदगी जीता हो और कोई भी किसी भी मतलब किसी टाइप की उसके दुख भय की कोई चिंता नहीं है, तो उसी को यानी संत या तपस्वी कह सकते हैं. संत और तपस्वी कह सकते हैं, हर्मिट या संत हो गया ना, संत भी कह सकते हैं. तो आपको समझ में आ गया कि एक्सेप्टिक क्या होता है. उसके बाद है कर्निवोरस. ध्यान दीजिए, कर्निवोरस का मतलब होता है मांसाहारी. लेकिन ये प्रयोग किसके लिए होगा, ये मुद्दा है, ये फैक्ट है कि विच दिस वर्ड इज यूज्ड फॉर व्हाट, ये जो वर्ड है किसके लिए यूज करेंगे. तो ध्यान दीजिए, ये कर्निवोरस अक्सर जानवर के लिए यूज होता है, यानी जो जानवर मांस खाता है उन्हीं जानवर को कर्निवोरस के लिए जाने जाते हैं. किसके रूप में? कर्निवोरस के मतलब मांस, जो जानवर मांस खाता हो. एनिमल डेट इट मीट, यानी जो जानवर मांस खाता हो उसी को क्या कहते हैं? कर्निवोरस, यानी मांसाहारी कहते हैं. उसके बाद है कैटोग्राफी. ध्यान दीजिए, कैटोग्राफी क्या होता है. ध्यान दीजिए, कैटो का मतलब होता है मैप. क्या होता है? मैप. क्या होता है? मैप होता है. मैप का मतलब कि चित्र, यानी जो हमारी धरती मैप, जो हमारे विश्व का या इंडिया का जो नक्शा होते उन्ही मैप, यानी उस तरह किसी भी मैप, या तो हम अपने स्टेट के मैप ले लें या कहीं अपने घर की भी मैप होता है, और अपने अगर चाहे तो आप इंडिया के विश्व के जहां का मैप लेना, उन्ही मैपों की चित्रकारी जो करने की जो कला होती है उन्हीं को ही कैटोग्राफी कहते हैं. क्या कहते हैं? कैटोग्राफी कहते हैं. तो आपको समझ में आ गया कैटोग्राफी का मतलब क्या होता है, कि अ प्रोसेस ऑफ ड्राइंग मैप, यानी अ प्रोसेस ऑफ ड्राइंग मैप. मैप यानी वह एक मैप को चित्रकारी करने की कला जो होती है उसी को ही कैटोग्राफी कहते हैं. उसके बाद आता है इटिमोलॉजी. क्या है? इटिमोलॉजी का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिए, द स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ व्हाट, यानी कि ध्यान दीजिए, स्टडी का मतलब होता है अध्ययन, ओरिजिन का जो मतलब होता है यहाँ उत्पत्ति होता है. क्या होता है? उत्पत्ति, यानी किसी चीज की उत्पत्ति या उद्भव. हिस्ट्री ऑफ वर्ड,
यानी शब्दों का जो उत्पत्ति है और उसके जो इतिहास है, उनके अध्ययन और देयर मीनिंग और उनके अर्थों का जो अध्ययन जिसमें होता है उसी को इटिमोलॉजी कहते हैं, इटिमोलॉजी कहते हैं। तो आपको समझ में आ गए होंगे कि इटिमोलॉजी क्या है। जिस बुक में या जिस चीज के अध्ययन, जिस किसी भी मतलब वर्ड के अध्ययन हो, वर्ड के अध्ययन और उसके उत्पत्ति को जानने के लिए जिसके अध्ययन होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, इटिमोलॉजी कहा जाता है। यानी शब्दों के उत्पत्ति, यानी उत्पत्ति शास्त्र भी, व्युत्पत्ति शास्त्र भी कह सकते हैं। तो शब्दों के अध्ययन को ही क्या कहते हैं, तो इटिमोलॉजी कह सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि इटिमोलॉजी का मतलब क्या होता है, शब्दों के अध्ययन या उसके इतिहास के बारे में जानना ही इटिमोलॉजी कहलाता है। उसके बाद है होमिसाइड। ध्यान दीजिए, होमिसाइड क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति इतना क्रूर हो जाता है जो डेलिब्रेटली ही किसी व्यक्ति की हत्या कर देता है। डेलिब्रेटली का मतलब होता है जानबूझकर। क्या होता है, जानबूझकर। यहाँ आप देख रहे होंगे कि डेलिब्रेटली है, DELIBERATELY। डेलिब्रेटली का मतलब ही होता है कि जानबूझकर, यानी जानबूझकर लोगों की हत्या की जाती है तो उन्हीं को क्या कहते हैं, होमिसाइड। यानी साफ साफ कहे तो नरसंहार, है ना, नरसंहार कर सकते हैं। तो नरसंहार यानी होमिसाइड होते हैं। उसके बाद आता है आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट, आइकोनोक्लास्ट का मतलब क्या होता है, जरा ध्यान दीजिए, आइकोनोक्लास्ट ध्यान दीजिए कि अ पर्सन हु क्रिटिसाइज पॉपुलर बिलीफ। यानी किसी भी समुदाय के जो एक बहुत ही पॉपुलर परंपरा होते हैं, जैसे अपने लोग के हो जाते हैं दीपावली, छठ, दुर्गा पूजा, और इन्हीं पर अगर कोई व्यक्ति उस पर क्रिटिसाइज करता है, क्या करता है, क्रिटिसाइज करता है या कमेंट करता है, तो उन्हीं को क्या कहते हैं, तो आइकोनोक्लास्ट कहते हैं। यानी किसी परंपराओं को तोड़ने वाला व्यक्ति ही आइकोनोक्लास्ट कहते हैं। तो आप इसका हिंदी अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि आइकोनोक्लास्ट का मतलब होता है कि किसी परंपराओं को, नियमों को तोड़ने वाला व्यक्ति को ही आइकोनोक्लास्ट कहते हैं। उसके बाद है इलिजिबल। क्या है, इलिजिबल, ध्यान दीजिए, इलिजिबल का मतलब ध्यान दीजिए कि इलिजिबल है ना, ये जो बना है इसी का एक हूबहु रूप है, जैसे आप कहें तो एलिजिबल। क्या है, ELIGIBLE। एलिजिबल का मतलब होता है योग्य। क्या होता है, योग्य, एबल टू डू समथिंग, किसी कार्य के करने के योग्य को ही एलिजिबल कहते हैं। क्या कहते हैं, एलिजिबल, ELIGIBLE, एलिजिबल कहते हैं। और यहाँ पे है इलिजिबल। क्या है, इलिजिबल, वहां एलिजिबल है और यहाँ इलिजिबल। यहाँ इलिजिबल जो है ELIGIBLE, और यहाँ पर है कि ELIGIBLE, एलिजिबल, ELIGIBLE, तो एलिजिबल वहां पे है। तो यहाँ पे आप एलिजिबल, इसका मतलब होता है इम्पॉसिबल टू डू, जिसको आसानी से पढ़ा न जा सके, यानी अपाठनीय, जिससे आसानी से पढ़ा न जा सके उसी को एलिजिबल कहते हैं। ELIGIBLE, एलिजिबल, जिससे आसानी से न पढ़ा जा सके उसे इलिजिबल कह सकते हैं, यानी इम्पॉसिबल टू रीड कहते हैं। तो आई होप डेट कि आपको आज के जो 18 हमने यहाँ पर वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिए थे और उससे रिगार्डिंग हमने कितने भी बहुत ही ज़्यादा देख लिए, एक यहाँ देखे, दो देखे, तीन और चार पाँच, उसके बाद 6 7 8 9 10 11 12,
यानी आपने 12 एक्स्ट्रा वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखे हैं। तो इसी तरह हम बहुत सारे करीब हमने 500 आपको इस सीरियल में लेंगे और आपको 500 के बदले आपको 700 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पुड़ जाएंगे, तो आपको कहीं भी दिक्कत होना नहीं चाहिए। तो इसी तरह आप वीडियो के अंत तक देखें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। अगर इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और अपनी जो आप जो एग्जाम देने वाले हैं उसमें अधिक से अधिक नंबर स्कोर कर सके, क्योंकि अभी के एग्जाम में जितने भी चौहान वर्ड्स सब्स्टिट्यूशन एडवांस फ्रेज होते हैं एंड साइनो इनटू अक्सर पूछे जाते हैं। तो इसीलिए आप इनको सारी जितने वर्ड सब्स्टिट्यूशन कराते हैं आप कंटिन्यू कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।